हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं झटपट कढ़ी चावल की रेसिपी लेकर आई हूँ। हम कढ़ी बनाएंगे पकौड़े के साथ, राइस यानी जीरा राइस बनाएंगे, साथ में हम पिकल पापड़ सलाद के साथ सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। चावल कढ़ी बनाने के लिए हम सबसे पहले कढ़ी तैयार करेंगे। तो हम आपको कढ़ी बनाने का इंग्रेडिएंट्स दिखा दे रहे हैं। हमने लिया है 250 ग्राम बेसन, 250 ग्राम दही, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, मेथी। तो ये सब हम ज़रूरत के अनुसार यूज करेंगे। लाल मिर्च, धनिया पत्ता जिसे हमने बारीक काट लिया है, आधा इंच अदरक के टुकड़े को हमने ग्रेट कर लिया है, थोड़ा सा हम करी पत्ता लिए हैं, एक ग्लास छाछ लिए हैं, कुकिंग ऑयल और ज़रूरत के अनुसार हम पानी यूज करेंगे। तो चलिए हम पकौड़े का घोल बनाना शुरू करते हैं। पकौड़े का घोल बनाने के लिए हम एक बड़ा सा बॉल ले लेंगे और उसमें बेसन डाल देंगे। थोड़ा सा बेसन हमने कढ़ी के लिए बचा लिया है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और कलर के लिए हम थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के और एक गाढ़ा घोल बनाएंगे। तो ऐसे हम चलाते हुए इसे एक घोल बनाएंगे। हमने अच्छे से पकौड़े के घोल को फेंट लिया है, यानी कि इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फेंटना है। इससे ये हल्का हो जाता है और पकौड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं, हमने स्पून के पिछले वाले हिस्से से 5 से 6 मिनट तक पकौड़े को फेंटा है। आप चाहें तो हाथ भी लगा सकते हैं, पर स्पून से भी हो जाता है। एकदम स्मूथ पेस्ट हमने बनाया है। आप देख सकते हैं, ऐसे ही कंसिस्टेंसी चाहिए पकौड़े की घोल की। तो इसे हम 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुका है, बेसन अपना फूल चुका है। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हमने तेल ले लिया है, तेल को गर्म होने के लिए रख लिया है। अब हम सबसे पहले टेस्ट करेंगे कि तेल पकौड़े के लिए गर्म हुआ है या नहीं। तो हम थोड़ा सा बेसन में से लेंगे और एक ड्रॉप डाल के चेक करेंगे। आप देख सकते हैं, बेसन पड़ते तैर के ऊपर आ गया, यानी कि पकौड़े के लायक अपना तेल जो है गर्म हो चुका है। तो हम गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे और बाकी के पकौड़े डालेंगे। तो इसको हम निकाल के अलग हटा दे रहे हैं और इसमें हम पकौड़ा डालेंगे। तो हम पकौड़ा डालने से पहले हम बेसन को एक बार हाथों से अच्छे से फेंट लेंगे। तो ऐसे हम हाथों से फेंटेंगे। इससे क्या होता है, पकौड़ा एकदम रुई के तरह स्पंजी होता है। जब हम इसे छाछ में डालेंगे, कढ़ी में डालेंगे, तो एकदम ये फूला फूला तैयार होता है। आपको दिखा दे रही हूँ, एकदम हल्का हो गया है। तो चलिए हम डालते हैं। ऐसे हम मीडियम साइज के छोटे छोटे पकौड़े तेल में डालेंगे। आप बड़ा भी कर सकते हैं, पर बेसन के पकौड़ा छोटा छोटा डाला जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार में जितना पकौड़ा आ सकेगा हम डालेंगे। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। पकौड़ा एक साइड से सिक चुका है।
आप देख सकते हैं सारे पकौड़ों में अपने आप बीच में ये फटने जैसा हो गया है, यानी कि परफेक्ट घोल तैयार हुआ था। इसमें जब छाछ जाएगा तो ये खाने में बहुत ही स्पंजी होगा। अब हम इसे ऐसे उलट उलट के 2 से 3 बार और सेक लेंगे, जिससे ये अच्छे से अंदर तक सीख जाए। पकौड़ा चारों तरफ से सीख चुका है, आप इसका कलर देख सकते हैं, कितना बढ़िया पकौड़ा तैयार हुआ है। अब हम इसे झड़ने की मदद से एक्स्ट्रा तेल गिराते हुए एक प्लेट में निकालते जाएंगे। ऐसे हमने पकौड़े निकाल लिए। अब यहाँ इस पकौड़े को हम छाछ, जो हमने एक ग्लास छाछ दिया है, उसे एक बॉल में ट्रांसफर कर दिया है, और गर्मा गर्म पकौड़ा हम अब इस छाछ में छोड़ देंगे। कढ़ी बनाएंगे तो हम उसमें इसको डालेंगे। पकौड़े को हमने छाछ में डुबा दिया है, तब तक हम अपना कढ़ी बना लेते हैं। हम एक बड़ा सा बॉल ले लेंगे और इसमें हम बेसन को डाल देंगे। अब इस बेसन में हम डालेंगे दही, साथ में हम डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे। अब हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तो आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची मत डालिए, और बड़ों के लिए तो थोड़ा सा मिर्च अच्छा लगता है। अब हम घोल तैयार करेंगे। तो हमने एक विक्स लिया है, आप चाहें तो हाथ से या स्पून से इसे मिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दही के साथ इसे, ये हमने बेसन को दही के साथ फेंट लिया है। अब हम इसमें ढेर सारा पानी डालेंगे। तो इसमें हम 1 लीटर पानी डाल रहे हैं और अच्छे से घोल लेंगे। जरूरत पड़ी तो हम बाद में पानी डालेंगे। इसे हमें एकदम पतली सी घोल बनानी है। घोल में बिल्कुल लम्स नहीं रहनी चाहिए। इसे हम 2-3-4 मिनट तक फेंक सकते हैं। तो ये अपनी फाइनली घोल तैयार हो चुकी है। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हम एक चौड़ी पिंडी वाली बर्तन ले लेंगे और गैस को ऑन कर देंगे। पैन गरम हो चुकी है। अब हम उसमें 1 चम्मच से थोड़ा सा कम तेल डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम स्लो कर लेंगे और इसमें हम तड़का डालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ 1 चम्मच मेथी दाना डालेंगे, जीरा, लाल मिर्च, आप चाहें तो तोड़ दें, हमें खड़ा दिखने में अच्छा लगता है तो ऐसे ही डाल रहे हैं। गैस स्लो करके हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। मेथी, जीरा, मिर्च, कड़ी पत्ता ब्राउन हो चुका है, हमें काला नहीं होने देना है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक, जिसे हमने ग्रेट करके रख लिया था, और इसे भी हम कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। अदरक भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के टाइम में गैस स्लो होना चाहिए, नहीं तो पाउडर जलने लगता है। तो ऐसे डाल के हम कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। हल्दी पक चुकी है। अब हम इसमें ये बेसन का घोल जो बनाया था उसको डालेंगे। तो धीरे धीरे करके हम घोल डाल देंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ रहा है। घोल डालने के बाद हमें कंटिन्यू चलाते रहना है, इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो पेंदी में लग जाता है। अब हम गैस की फ्लेम को तेज करके
और कढ़ी को उबालेंगे। बेसन की घोल गाढ़ी थी तो हमने उसी बॉल में आधा लीटर और पानी ले लिया है और इसमें डाल के चलाएंगे। तो आप कढ़ी का थिकनेस देख के पानी ऐड करते जाइए। पतली कढ़ी डालने पे पकाते पकाते ये गाढ़ी हो जाती है। बस एक ही बात ध्यान में रखना है कि इसे हमें अच्छे से चलाते रहना है। तो हम इसे 5 से 7 मिनट तक तेज फ्लेम पे उबालेंगे। कढ़ी जितनी उबलेगी उतनी ही बढ़िया टेस्ट आएगी। हमने कढ़ी को अच्छे से पका लिया है। कढ़ी अपनी जरूरत के अनुसार गाढ़ी हो चुकी है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर लेंगे। गैस बंद कर दिया है हमने। अब गर्मा गर्म कढ़ी में हमने जो पकौड़े को छाछ में भिगो के रखा था उसे छोड़ देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ में हम डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। धनिया पत्ता आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए, पर इससे टेस्ट अच्छा आता है। अब हम कढ़ी के साथ पकौड़े को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार कढ़ी पकौड़ा तैयार होता है। इसे हम मिक्स करके 1 से 1.5 घंटा के लिए छोड़ देंगे, फिर सर्व करेंगे। ये अब हम जीरा राइस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बड़ा सा बॉल में राइस ले लेंगे। राइस को हम 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। राइस को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब राइस डूबने लायक पानी में हम इसे छोड़ देंगे और इसे हम 5 से 6 मिनट तक फूलने देंगे। इससे राइस जल्दी पक जाता है। चावल फूल चुका है, अब हम इसे स्टेन कर लेंगे। तो हम इसे एक झड़नी में ऐसे छान लेंगे। राइस को हमने स्टेन कर लिया, अब हम गैस की तरफ चलेंगे। तो गैस पे हमने ऐसा एक भगोना ले लिया है। गैस को ऑन कर देंगे और इसमें हम डालेंगे देसी घी। तो यहाँ पे हम 1 बड़ा चम्मच देसी घी डालेंगे। घी को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। घी मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे। तो ये जीरा राइस है तो जीरा का मात्रा थोड़ा सा हम ज्यादा डालेंगे। जीरा को हम चटकने देंगे और इसमें हम स्टीम किया हुआ राइस डाल देंगे। घी के साथ हम राइस को 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। राइस पे घी की अच्छी सी कोटिंग हो जानी चाहिए। राइस को हमने घी के साथ अच्छे से भून लिया है। तो यहाँ पे हम जिस ग्लास से राइस लिया था उसी ग्लास से 2 ग्लास पानी डालेंगे, क्योंकि 1 ग्लास चावल के लिए 2 ग्लास पानी परफेक्ट होता है। 2 ग्लास हम पानी डालेंगे, अच्छे से चावल को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें नींबू डालेंगे। तो 1 नींबू को हमने 2 पीस में कर लिया है और इसमें रस डाल देंगे। नींबू का रस डालने से टेस्ट तो बढ़िया आता ही है, तो हम इसमें 1 नींबू का रस डाल देंगे। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। नींबू को हमने मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। जीरा राइस बनाना बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। तो हम इसे 2 से 3 मिनट तक तेज फ्लेम पे उबालेंगे। चावल को हमने तेज फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक उबलने दिया है। अब हम फ्लेम स्लो कर लेंगे और एक ढक्कन से इसे कवर करके
पांच से सात मिनट और पका के हम चेक करेंगे। चलिए अब हम राइस को एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम धीरे से ढक्कन को हटा लेंगे और एक चम्मच की मदद से हम चेक करेंगे। पानी अपना सूख चुका है। अब हम एक राइस को निकालेंगे और हथेली से ऐसे प्रेस करके चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं राइस जो है अच्छे से पक चुकी है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और कवर करके एक से दो मिनट तक और छोड़ देंगे, फिर हम सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने कढ़ी चावल की रेसिपी तैयार कर ली है। अब हम इसकी प्लेटिंग करके आपको बताते हैं। इसे हम पापड़, अचार, सलाद के साथ सर्व करेंगे। हमने एक डिश ले लिया है। राइस को हम एक बॉल में भर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस राइस को ऐसे प्लेट पे दबाते हुए उलट लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा शेप में राइस आया है। अब हम कढ़ी को एक बॉल में निकाल लिए हैं। साथ में हम रखेंगे पापड़ जिसे हमने फ्राई कर लिया है। हमने घर का बना होममेड मैंगो पिकल लिया है, तो इसे भी हम सर्व करेंगे। और साथ में हम ककुम्बर, टमाटर का सलाद रख देंगे। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरी कढ़ी चावल की रेसिपी। अगर आज की मेरी ये कढ़ी चावल की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।